हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेल्स फायर वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच द 100 मेंस का दोस्तों जो आज का 21वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों वेल्स फायर की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम जो कि शुरुआत में तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में थी, लगातार 3 मुकाबला जीती थी, लेकिन इन्होंने भी अपना पिछला मुकाबला हारे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जान लेंगे कौन से प्लेयर्स को आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में लेना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों बॉलर्स को बनाना चाहिए, बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर्स को। तो ये मुकाबला दोस्तों आज शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो सोफिया गार्डन कार्डिफ में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए टोटल तो दोस्तों इस सीजन पे उतने मुकाबले तो नहीं हुए हैं, लेकिन ओवरऑल द 100 मैचेस के दोस्तों यहां पर 14 मुकाबले हुए हैं। ये दोस्तों ना T20 ना ODI ना टेस्ट मैचेस के हैं, ये केवल दोस्तों द 100 के हैं जिसमें 100 बॉल की मैच होती है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए 7 मैच जीती है, सेकेंड बैटिंग करते हुए 7 मैच जीती है दोस्तों यहाँ पर टीम्स। तो यहाँ पर टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस ग्राउंड पर दोस्तों बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर मात्र 135 का ही है, हाईएस्ट स्कोर 158 रन का है जो कि दोस्तों यहाँ पर OBI ने बनाई है। लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 85 रन का है जो कि दोस्तों यहाँ पर MNR ने बनाई है। और स्कोरिंग पैटर्न अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 150 के नीचे 8 बार स्कोर हुआ है, मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है। तो बॉलर्स को आपको ज्यादा सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है। 150 और 70 के बीच में 5 बार स्कोर बना है, और 170 और 190 के बीच में मात्र 1 बार, और 190 के ऊपर तो दोस्तों यहां पर स्कोर ही नहीं किया है। और इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर मात्र 2 मुकाबले हुए हैं, तो उसकी भी अभी स्टैट्स देखेंगे। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके बारे में। तो अभी तक मात्र 2 मुकाबले हुए हैं दोस्तों इस साल। पिछला मुकाबला जो यहाँ पर हुआ है, साउदर्न ब्रेव ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन की टारगेट दी थी, और वेल्स फायर की टीम दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाई, 97 रन पर ऑल आउट हो गई, और साउदर्न ब्रेव की टीम 42 रन से जीती जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ओवल इनविंसिबल ने दोस्तों 113 रन की टारगेट दी थी, और वेल्स फायर ने दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाया और 10 रन से दोस्तों यहाँ पर ओवल ने जीता जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो वेल्स फायर का दोस्तों इस ग्राउंड पर कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला टारगेट चेज नहीं करने पाए और उतना ज्यादा हाई टारगेट भी नहीं था। और इन दोनों मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो फास्ट बॉलर को टोटल दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में 20 विकेट मिली है और स्पिन बॉलर को 12 विकेट। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 12 विकेट लिए हैं, सेकेंड और स्पिन बॉलर 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में 8-8 विकेट मिली है फास्ट के साथ स्पिन बॉलर को। तो जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी यहाँ पर केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है, और सेकेंड इनिंग में आप लोग स्पिनर्स पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियो दोस्तों और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच 3 मुकाबले हुए हैं, वेल्स फायर का पगड़ा थोड़ा भारी है, 2 मुकाबले जीते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 1 मुकाबले। और रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो वेल्स फायर 5 में से दोस्तों मात्र 2 ही मुकाबला जीते हैं, और पिछला मुकाबला भी हार करा रहे हैं, और नॉर्दर्न सुपर चार्जर 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं, लगातार बीच में 3 मुकाबला जीते हैं और शुरुआत में, और पिछला मुकाबला इन्होंने भी हारी है। और पिछला मुकाबले में दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की पूरी बैटिंग और पूरी टीम फ्लॉप थी दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में वेल्स फायर की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए ल्यूक वेल्स की जगह पर साथ जॉनी ब्रेस्टो दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर जोई क्लार्क आएंगे, फिर टॉम एबल जो कि इनके कप्तान हैं, फिर पांचवें नंबर पर टॉम कैडमोर आएंगे, फिर ग्लेन फिलिप्स, डेविड विली, डेविड पेन, मैट हेनरी, फिर यहां पर मसून क्रेन, उसके बाद हैरिस रॉफ। तो हैरिस रॉफ पिछले कुछ मुकाबले खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा पारी खेले हैं। तो कोई भी अगर बदलाव होगा इसमें तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं
फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए फ्री टीम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को ताकि सारे अपडेट्स आपको फटाफट मिलती रहे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो ल्यूक वेल्स और जॉनी ब्रेस्टो ओपनिंग करेंगे। ल्यूक वेल्स की खासियत यह है कि बॉलिंग भी कराते हैं दोस्तों और ओपनिंग भी करेंगे। तो पिछले मुकाबले में 8 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले भी इनको 1 विकेट मिली, फिर 23 रन, फिर उतना खास विकेट नहीं, और शुरुआत मैच में 10 रन 2 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ल्यूक वेल्स ओपनिंग करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं। अगर बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से तो विकेट ले ही ले रहे हैं और हर मुकाबले में ड्रीम टीम में भी शामिल हो रहे हैं अगर आप लोग गौर करिएगा। तो ल्यूक वेल्स को यहाँ पर आप लोग को लेकर चलना है, सेफ ऑप्शन रहेंगे। जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो भी ओपनिंग करेंगे और पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेले थे, फ्लॉप हो गए थे पिछले मुकाबले में, लेकिन उससे पहले 55 रन की भी शानदार पारी खेले हैं। रिसेंट में दोस्तों उतना ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं है, 41 रन और 48 रन की 1-2 मुकाबले पारी खेले हैं। तो दोनों का बैटिंग, दोनों ओपनर्स का दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है देखा जाए नीचे के बैट्समैन से, तो इन दोनों पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर WEF की जो टीम है इनकी मिडिल ऑर्डर के सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर के 2 पर ही आपको फोकस करना है। जॉई क्लार्क की बात करें तो जॉई क्लार्क अभी तक दोस्तों जितने मुकाबले खेले हैं सारे मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं, 0 रन 5 रन 5 रन और पिछले मुकाबले में 10 रन, तो इनका खेलने का चांसेस भी थोड़ा कम है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और अगर आप लोग चाहें तो इनको मेग रेडलिंग में रख सकते हैं। टॉम अबेल की बात करें जो कि इनके कप्तान है, तो टॉम अबेल का भी परफॉर्मेंस दोस्तों उतना कुछ खास दिखा नहीं है, पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले, उससे पहले 33 रन, फिर 12 रन 16 रन और 11 रन नॉट आउट। रिसेंट में दोस्तों इन्होंने 47 रन 30 रन 39 रन की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पारी खेली है एक्स्ट्रा रन की, लेकिन इस द 100 मैन्स में इनका परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास रहा नहीं है। तो टॉम अबेल को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दोस्तों अगर वेल्स फेयर की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग इनको रख सकते हैं। अब वहीं टॉम कैडमोर की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और बैटिंग भी इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है, पिछले मुकाबले में मात्र 3 रन की पारी खेले, उससे पहले 14 रन नॉट आउट, फिर 4 रन 22 रन, बहुत पहले इन्होंने 25 रन 51 रन 43 रन की पारी खेली है। तो टॉम कैडमोर भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे और अगर वेल्स फायर की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग टॉम कैडमोर और टॉम अबेल या फिर दोस्तों इन दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ना ही जॉई क्लार्क और ना ही टॉम कैडमोर। अब दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो ग्लिन फिलिप्स जो कि बहुत ही बड़े नाम है और रिसेंट में अभी लंका प्रीमियर लीग में इन्होंने बहुत ही अच्छी पारी दोस्तों 58 रन की और लंका प्रीमियर लीग में 75 रन 70 रन 82 रन की भी पारी इन्होंने खेली है, लेकिन अभी द 100 मैंस में अगर आप लोग इनका रिकॉर्ड देखिएगा तो पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन, उससे पहले 6 रन, फिर 11 रन 0 विकेट, फिर यहाँ पर 0 रन 0 विकेट 0 रन। तो मतलब लंका प्रीमियर लीग में ग्लेन फिलिप्स का बैटिंग ऑर्डर भी टॉप पे था लेकिन द 100 में बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है और बॉलिंग उतना करा नहीं रहे हैं, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, तो इनको भी आपको केवल मेगा ग्राइंडिंग में ही फोकस करना है। तो बैटिंग सेक्शन से अगर आप लोग देखिएगा तो टॉप के दोनों छोड़कर उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब इनके ऑलराउंडर्स पर बात करें तो डेविड विली बेस्ट ऑप्शन रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले, उससे पहले फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 13 रन, फिर 4 रन 2 विकेट, फिर 3 रन की 3 विकेट की भी पारी खेले हैं। तो डेविड विली इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन भी रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। डेविड पेन भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में 1 रन 1 विकेट, फिर उससे पहले 2 रन 2 विकेट, फिर दोस्तों 28 रन 2 विकेट और फिर 1 विकेट लिए हैं। तो इस सीरीज में डेविड पेन और डेविड विली का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो इन दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको फोकस करना है। और वहीं बॉलर्स की बात करें तो इनके बॉलर्स दोस्तों देखा जाए तो सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। मैट हेनरी दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, रिसेंट में 3 विकेट भी लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर मसोन क्रेन की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली लेकिन उससे पहले हर मुकाबले में इनको विकेट मिली है, तो दोस्तों ये दोनों बॉलर्स सेफ ऑप्शन रहेंगे। और हरीश रॉफ दोस्तों आप लोग इनको वाइस कैप्टन तक कर सकते हैं क्योंकि पिछले तीनों मुकाबले में हरीश रॉफ को दोस्तों 3-3 2-2 विकेट मिली है, तो हरीश रॉफ बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे हैं द 100 में। तो इनके सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं, बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है,
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बॉलर्स पर आपको ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के भी बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल इधर से एनालिसिस। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, तो इनमें से खेलने का चांसेस कम है। अगर जो भी प्लेयर खेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जैक बॉल खेल सकते हैं, क्योंकि अभी तक दो मुकाबले में इनको शानदार विकेट मिली है। तो शुरुआती दौर में खेले थे, फिर इनको नहीं खिलाया गया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इनकी टीम में पिछले मैचेस में कुछ बदलाव हुए थे, तो मैथ्यू शॉट वापसी किए थे बेन स्टोक्स के साथ जो कि ओपनिंग करेंगे, फिर निकलस पुरन आएंगे, फिर हैरी ब्रुक जो कि कप्तान है, एडम होस और ओलिवर रॉबिन्सन को फिर से नीचे भेजा गया था बैटिंग करने छठे नंबर पर, मिचेल सैंटनर, जोर्डन क्लार्क, मैथ्यू पोट्स, फिर आदिल राशिद और रे स्टोपली। तो हालांकि मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कुछ बदलाव होने का तो कम ही उम्मीद है, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 थी, तो फिर भी इनकी पूरी टीम फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप लोग ओपनर्स पर देखिएगा तो मैथ्यू शॉट और बेन स्टोक्स का, तो मैथ्यू शॉट का इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस है। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन विकेट लेस रहे थे, लेकिन उससे पहले 20 रन एक विकेट, फिर 12 रन एक विकेट, 7 रन, फिर 19 रन। तो मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगे, क्योंकि एक तो ओपनिंग करेंगे और बॉलिंग भी कराएंगे। बेन स्टोक्स की बात करें तो दोस्तों पिछला मुकाबला इनका पहला मुकाबला था आरते के साथ ही दोस्तों फ्लॉप हो गए, 0 रन 0 विकेट, लेकिन रिसेंट में इन्होंने टेस्ट में अच्छी पारी खेली है, 54 रन 0 विकेट, फिर 57 रन एक विकेट, 69 रन एक विकेट, 8 रन एक विकेट। तो टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा रहा है। तो भले ही पिछले मुकाबले में बेन स्टोक्स फ्लॉप हो गए हों, लेकिन इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर आपको फोकस करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में कर सकते हैं, और मैथ्यू शॉट तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और बेन स्टोक्स को अभी भी बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो इन पर आपको फोकस जरूर करना है। निकलस पुरन एक बार फिर से सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपर से हैं, बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है, पिछले दो मुकाबले में तो फ्लॉप हुए थे, लेकिन उससे पहले 65 रन और 62 रन की इन्होंने पारी खेली है, और पिछले मुकाबले में 11 रन। तो निकलस पुरन सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो इनके टॉप ऑर्डर से कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिन पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वेल्स फेयर की तरफ से कोई उतना खास एक्सपीरियंस वाले प्लेयर नहीं है। तो इधर से आप लोग तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को रख सकते हैं, और हैरी ब्रुक को भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स और मैथ्यू वेड तो ऑलराउंडर सेक्शन में है, बाकी निकलस पुरन विकेट कीपर सेक्शन और हैरी ब्रुक बैटिंग सेक्शन। तो हैरी ब्रुक दोस्तों बैटिंग सेक्शन में सेफ ऑप्शन यही रहेंगे, बाकी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। हैरी ब्रुक पिछले मुकाबले में 15 रन, फिर 58 रन उससे पहले, फिर 6 रन, 34 रन, 25 रन और रिसेंट में 53 रन, 47 रन की भी पारी खेले हैं। तो इधर से देखा जाए तो टॉप के 4 ऑप्शन आपको उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है निकलस पुरन को छोड़कर, लेकिन थोड़े भरोसेमंद हैं, तो इनमें से 4ों को रख सकते हैं, जिसमें से 2 ऑलराउंडर हैं। बाकी एडम होस को लेने का चांसेस कम ही रखिए, क्योंकि रिसेंट में इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है, और इनका बैटिंग पिछले मुकाबले में आया था तो 11 रन की ही पारी खेले थे, तो एडम होस उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ओलिवर रॉबिन्सन भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको बीच में ओपनिंग भेजा गया था, तो ओपनिंग में भी दोस्तों फ्लॉप हो गए, और नीचे आए तब पर भी मात्र 11 रन की ही पारी खेले। मिचेल सैंटनर सेफ ऑप्शन रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 6 रन की ही पारी खेले थे, बॉलिंग तो मिला नहीं था, लेकिन उससे पहले 7 रन 2 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 15 रन, फिर 9 रन 1 विकेट। तो मिचेल सैंटनर सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब जॉर्डन क्लार्क की बात करें तो जॉर्डन क्लार्क का अगर आप लोग रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो पिछले 2 मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, और अभी तक इनको मात्र 3 विकेट ही मिली है। तो जॉर्डन क्लार्क को अगर आप लोग को लेना है तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग को इनको लेकर चलना है, नहीं तो आप लोग इनको नहीं लेना है। और इनके जो बॉलर्स हैं दोस्तों पिछले मुकाबले में कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली, और आदिल राशिद तो दोस्तों बॉलिंग ही नहीं कराए, बैटिंग से केवल 9 रन बनाए, और इनके जो बॉलर्स हैं पिछले 2 मुकाबले से विकेट लेस रह रहे हैं, तो थोड़ा भरोसा उठ चुका है। तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं इनके बॉलर्स में तो मैथ्यू पोर्ट्स को अगर आप लोग चाहें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले 24 रन 2 विकेट और 1 विकेट लिए हैं। बाकी आदिल राशिद, रे स्टोपली, इन दोनों को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम टॉस जीतती है तभी आपको लेना है, नहीं तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर वेल्स फायर के बॉलर्स पर फोकस कर सकते हैं और इनके ऑलराउंडर्स पर, क्योंकि बेन स्टोक्स, मैथ्यू वेड इनके ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी खेलता है
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चांसेस है दोस्तों, बेन रोज खेल सकते हैं, क्योंकि एक मुकाबले में खिलाया जाता है फिर इनको बैठा दिया जाता है, तो पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे तो ये खेलते हैं, तो बड़े यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हो गई हमारी पूरी डिटेल, स्टैट्स और एनालिसिस सब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम, जो कि दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट रहेंगे, वाइस कप्तान यहाँ पर डेविड विली, और यहाँ पर दोस्तों एल विल्स को बना रहा मिचेल सेंटनर और बेन स्टोक्स, मतलब टोटल मैंने यहाँ पर 5 ऑलराउंडर को लिया है। बॉलिंग सेक्शन से मैं यहाँ पर मैं मैथ्यू पॉट्स को ले रहा हूँ, डेविड पेन और हरी श्रॉफ को, और बैटिंग से केवल एक बैट्समैन हारी ब्रुक को और जॉनी ब्रेस्टो और निकलेस पूरन को। तो यहाँ पर मैं 5 प्लेयर लिया हूँ दोस्तों वेल्स फायर की तरफ से, और 6 प्लेयर मैं यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी बैलेंस टीम, और ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि एक तो इनके बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और जो बैट्समैन हैं वो दोस्तों ऑलराउंडर से ही हैं, जैसे मैथ्यू शॉर्ट हो गए, बेन स्टॉक्स हो गए, जो कि टॉप ऑर्डर में आकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने ज़्यादातर ऐसे प्लेयर्स को रखा है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या तो कर सकते हैं, बाकी दोस्तों जो नए प्लेयर्स हैं उनको मैं यहाँ पर नहीं रखा हूँ। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी सेफ टीम कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।